अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, आप सभी का तेलंगाना क्राइम न्यूज़ में इस्तकबाल है। आज बरकतपुरा एक्स रोड के दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह वलीअल्लाह सईद खादरी रज़ी अल्लाह अन्हु में 11वां सालाना उर्स शरीफ मनाया गया और आवाम में आम खास खाने को भी खिलाया गया, जिसमें खिदमतगार के तौर पर सैयद शुबानी, सैयद नासिरुद्दीन, मोहम्मद लियाकत अली, मोहम्मद अब्दुल सईद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद बासित, वाहिद अली और खुर्शीद खान मौजूद थे। और चीफ गेस्ट के तौर पर मुशराबाद एमएलए जनाब मुत्ता गोपाल, रामनगर एक्स कॉर्पोरेटर वी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना स्टेट लीडर एमएन श्रीनिवास राव, एक्स कॉर्पोरेटर डॉक्टर सिरिशा, सीनियर लीडर एजाज हुसैन, आरके न्यूज एंड टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ करीम शाह, दूसरी दरगाह के सज्जादे नशीन मोहम्मद अब्दुल खुदूस अली शाह खादरी चिश्ती, मोहम्मद गफूर, जाखिर खान और खमर निजामी भी मौजूद थे। और हजरत मौलाना चिश्ती मोहम्मद अब्दुल बासित साहब ने दरगाह में सभी के लिए खास दुआ की। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात तेलंगाना क्राइम न्यूज पे। काली कमी वाले, नूरानी चेहरे वाले मेरे प्यारे आका अहमद मुस्तफ़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो अशआर नातू पाक सुनाना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही है यही आसमान से, आवाज़ आ रही है यही आसमान से, सौदा करो खुदा का नबी की दुकान से। ताज़ीम करो, ताज़ीम करो, सरकारे मदीना आते हैं। ताज़ीम करो, ताज़ीम करो, सरकारे मदीना आते हैं। ये अहले वफा की महफिल है, सरकारे मदीना आते हैं। कोई किसी को नवाजे तो कोई किसी को नवाजे, कोई किसी को नवाजे तो कोई किसी को नवाजे, मेरे गौस महदी सरकार सदा नवाजे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد। हम लोग इधर हजरत वली उल्ला शाह खादरी के पास आए रहमतुल्लाह अलैह, 11वीं के 29 तारीख को संदले मुबारक मरकज पूरा चौरस्ते पर हुई और आप सब के ताउन की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हजरत सैयद शाह वलीउल्लाह सईद खादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक यहाँ पर मनाया गया, जिसके ऑर्गेनाइज़र सुबानी साहब और नसीर भाई और छोटू भाई, वाहिद भाई और उनकी पूरी टीम की जानिब से, सादिक भाई उनकी पूरी टीम की जानिब से यहाँ पर एहतमाम किया गया। और यहाँ पर मेहमान खुसूसी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे एमएन श्रीनिवास साहब, जो अखिलियतों के दिल की धड़कन है और पूरे रियासत में एमएन श्रीनिवास साहब का एक बेहतरीन नाम है और ऐसे खायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हमारे एमएन श्रीनिवास साहब का यहाँ आना हमारे लिए भाई से मसरत है। आज के इस पुरुष के प्रोग्राम में यहाँ पर तनाउल ताब का अहतमाम भी है और सभी गरीब लोगों को यहाँ पर जो है सो खाना काम का अहतमाम किया गया है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन वालों की जानिब से। और डॉक्टर सिरिशा मैडम और हमारे मुशराबाद एमएलए जनाब मुट्टा गोपाल साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए और सभी ने मिलकर यहाँ पर दुरूद और सलाम की अकीदत पेश की हमारे शाह साहब को। दुरूद और सलाम और दुआओं के नजरानों के साथ हम सब अपने पूरे तेलंगाना रियासत के हिंदुस्तान के अमन के लिए दुआ की यहाँ पर, और तेलंगाना में फिर से बीआरएस पार्टी कायम होने की भी दुआ की और यहाँ पर गरीब आवाम के लिए भी के हक में भी दुआ की। हम शुक्रिया अदा करते हैं फिर से एमएन श्रीनिवास साहब का, जो अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर हमारे लोगों के लिए यहाँ पर आए। डॉक्टर सिरिशा मैडम जो कि बरकतपुरा कारपेंटर इंचार्ज रह चुकी है, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए उनकी टीम के साथ, और इसी तरह से हमारे रजनीकांत साहब और भी बहुत सारे लोग, हमारे रिजवान साहब सब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, ओम प्रकाश यादव साहब सभी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। हम सब का यहाँ के एसोसिएशन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे दुआओं की गुजारिश करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अलहमदिल्ला जो बात हार्डी का हमारे फजल करें आज भगवान जी
अरकान सैयद शाह वलीउल्लाह सैयद कादिर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मना गया और कुतुब दक्कन के हिसाब से दुआएं मांगी गई और बिलखसूस हिंदुस्तानी आइन की दुआ मांगी गई और हैदराबाद के दक्कन की कुतुब से खासकर दुआ मांगी गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फैज़ जारिये से अल्लाह के करम से जो है ना जितने भी हाजिर आए हुए हैं यहाँ पर फैज़ जारिया होकर जा रहे हैं अल्लाह के करम से यहाँ पर जितने भी है अल्लाह के करम से फैज़ है अल्लाह के करम से फैज़ है और खुद भी वक्त विलायत से फैज़ है जितने भी कादिया हैं और डॉक्टर साहब और हमारे कुद्दूस भाई भी आए हुए हैं और हमारे मामू और हमारे मोहम्मद जहांगीर साहब स्पेशली इस बरकत पूरे के लिए इंसान है और हमारे शहीद भाई बिलखसूस जो इस सैयद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के जो सो हसन मुबारक के बिलखसूस जानशीन और जो सो चचा नशीन और जो सो उसके मुबारक के फहरिस पे जारिया होते हुए हमारे सुबानी भाई के खिदमत में खिदमत गुजार है इस विलायत के आज मुखी से फौज पे मुझे आना पड़ा और खुशी जाम दुआ होगी अल्लाह के करम से तमाम उलमाए दीन के लिए दुआ होगी आलम खान के लिए दुआ होगी और फैसला के लिए दुआ होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और औलिया की बरकत से हमें फैज़ जारी अता फरमाए और हमारा घराना जन्नत की घराना बनाए और फैज़ वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और जितने भी सरकार के पास आ रहे जितने बाबा सरकार शरफुद्दीन बाबा के पास है सरकार यूसुफ़ औलिया के पास है ख्वाजा हसन मौलाना शाह के पास है तो तमाम कुतुबा हकीम बाबा मिस्किन बाबा शक्कर वली सरकार ख्वाजा वंदनामा देसो दादा सरतुल्ला हुक्मुद्दीन तौलिया रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से जो फैज़ जारिया है अल्लाह के करम से आज पूरी उम्मत मुस्लिमात के हैदराबाद के फ़ख्र है कि उलमाए दीन आज उलमाए सुन्नत आज उलमाए दीन और उलमाए फैज़ पे आज अल्लाह के करम से आज हैदराबाद ढक्कन पे फैज़ जारिया हो रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है करम है कि हिंदुस्तान के आयन में कुतुब ढक्कन में बहुत बड़ा फैज़ आफ्ताब है और फैज़ जारिया हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और जितनी हाजिर है सबके घर की बीमारियों को दूर अता फरमाए और सबकी जो सब बदनजर की हिफाजत फरमाए आदत चलन से बुक सरफाज हिफाजत फरमाए और बिलखसूस और जितने तेलंगाना के अंदर है और जितने इलेक्शन होने वाले उन सबको बिलखसूस हैदराबाद के और तेलंगाना के मुसलमानों को कामयाबी की अता फरमाए और हसद जलन बुक्स नजर बद से हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी अमीन वाला अली वसल्लम वसलिमा सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह वाला अलैका वा सहाबी या नबी अल्लाह।